किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि तो दिसंबर का महीना आ चुका है, जगह प्रोनिंग शुरू हो चुकी है, तो कुछ जगह पे क्या हो गया है किसान भाइयों की, आपके बगीचे में साफ सफाई जैसे कि खाद गोबर इन चीज़ों को ढालने का जो समय है वो सही समय है इस वक्त? तो इसके बाद जो हमारे ऑर्चर्ड में मेन काम है प्रोनिंग का, प्रोनिंग के इसमें कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं वो गलती मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ और बात जानकारी दे दूँ। इस वक्त अगर आप बोरोमिक्सचर की स्प्रे करना चाहते तो उसका बिल्कुल सही समय है। अगर आप कास्टिक सोडा करना चाहते हैं तो कास्टिक सोडा के लिए अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो क्योंकि हमें मौसम को देखना पड़ेगा कि मौसम कब तक ख़राब होने वाला है, क्योंकि अगर ड्राई मौसम में हम कास्टिक सोडा की स्प्रे करेंगे तो ये हमारे प्लांट पर काफ़ी असर करेगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा मौसम पर निर्भर होना पड़ेगा। प्रोनिंग में क्या गलती करे हो ये किसान भाइयों कि हमारे जो टूटे हुए टहने हैं, काफ़ी टूटे हुए टहने होते हैं जो फट जाते हैं बीच से दो तरफ, उन्हें जोड़ दिया जाता है वापस, उन्हें बांध के छोड़ देते हैं, उसमें कोई पैकिंग नहीं करते, क्योंकि इससे क्या हो रहा है किसान भाइयों कि उस टहनी के अंदर जो छेद रह रही है वो जख्म है, उस जख्म के अंदर आपको हुलिया फिट ना जाने और कितनी बीमारियाँ आपको वहाँ पर मिलेगी। तो इन बीमारियों को आप बच सकते हैं इन बीमारियों से, क्योंकि हमारे जो आगे फ्लोरिंग का समय होता है या पत्ती आ जाती है तो उस वक्त ये बीमारियाँ एकदम अटैक कर लेती है। तो इसमें आपको क्या करना है किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम अगर पुराने घाव है आपके पास तो उसे आप साफ कर लीजिए ब्रश के साथ बढ़िया। उसके बाद उसके बाहर आप बिरला व्हाइट पुट्टी का इस्तेमाल कीजिए, उसे अच्छे से कवर कीजिए ताकि उसके अंदर कोई बीमारी पैदा ना हो। और दूसरी बात, आप अगर नहीं रखना नई बुट्टी लगाना चाहते तो आप उन टहनों को ही निकाल दीजिए ताकि वहाँ पर आपकी बीमारी न लगे, और वहाँ पर अच्छे से पेस्टिंग कीजिए ताकि वहाँ पर कोई भी आपका जो बीमारी मतलब हुलिया फिट जैसे या माइट जैसे अडेंट्स उसके अंदर रहते हैं तो उनको आप वहाँ पर स्टोरेज होने के लिए जगह ना छोड़े। तो इस तरह से आपको इसी विषय पर आज मेरा वीडियो था। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए, और वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा वॉच कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल फ्री है।